काजल रगवानी आरोप लगाती है कि अपना बीवी और बच्चे को छोड़ने वाले हैं और पत्नी से डिवोर्स लेना चाहता है खेसारी लाल यादव, और रिश्ता रिलेशन की बात भी करती थी और बोलती खेसारी लाल यादव के हर हीरोइन से प्यार हो जाता है, और हीरोइन की ओपन फोटो वीडियो सब रखता था। तो इस पे खेसारी लाल यादव ने मुंह तोड़ जवाब दिया, और ये अक्षरा सिंह ने आरोप लगाया कि इसको चप्पल से मारना चाहिए खेसारी लाल यादव के। तो खेसारी लाल यादव इस पे रिएक्शन क्या दिया है वो सुनेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, ये बंदा में तो क्वालिटी है। और जब बोला, पूछा गया कि ये दोनों एक चॉइस करना है, खेसारी लाल काजल और अक्षरा में बेहतर कौन है, तो बोलते खेसारी लाल यादव का क्या जवाब आया है, सुनेंगे तो आपको दिल गदगद हो जाएगा। तो पूरी वीडियो एंड तक देखिएगा। मेरा नाम अजय ठाकुर, आप देख रहे हैं अजय भोजपुरी चैनल पे, आपको स्वागत करते हैं कि पूरी वीडियो एंड तक देखिएगा। अब आपको बताते हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री में लगातार विवाद भी शुरू हो रहा है, और विवाद ऐसा रुकता ही नहीं। पहले तो मैं बात करता हूँ कि खेसारी लाल यादव और पवन सिंह में जो विवादे थे वो विवाद नहीं थे, वो एक नोक झोंक होता है। मगर ये जो विवाद आरोप काजल रगवानी ने आरोप लगाया था खेसारी लाल यादव को, बोलता है कि अपनी बोलता है कि हर लड़कियां को ओपन वीडियो और फोटो रखते हैं। खेसारी लाल यादव के जितने एक्ट्रेस लोग हैं, काम करते हैं, औरत लड़कियां लोग सबकी नंगी फोटो रखते हैं। तो खेसारी लाल यादव ने इस पे मुंह तोड़ जवाब दिया, और खेसारी लाल यादव ने बताया कि हम तो अमरपाली दुबे को भी पैर लगते हैं, पैर पूजते हैं, हम रानी चटर्जी को आदर्श मानते हैं, हम मधु शर्मा को भी अति करते हैं, सम्मानित देते हैं। भोजपुरी के जितना भी हीरोइन है, एक्ट्रेस है, सबके साथ में मैं काम किया, तो सबका नंगी फोटो और वीडियो रखे होंगे। और एक और ये सवाल है कि खेसारी लाल यादव के बोलते हैं रिलेशन की बात करते हैं, तो जितना भी हीरोइन के अभी मैंने नाम लिया उससे ज़्यादा ये होगा, तो क्या वो लड़की सभी लोग रिलेशनशिप में थे? इनको यही कहना है कि जो लड़कियां खेसारी के साथ में काम करता है वो रिलेशनशिप में हो जाता है। तो ये बहुत बहुत गलत बोली है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। मगर ये खेसारी लाल यादव इस पे मुंह तोड़ जवाब दिया है और बोला है कि एक महिला होके किसी और महिला को इज्जत नहीं किया, वो अपने भी दावन में जब दाग लगाई और बाकी पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री को ही हीरोइन को ही भी दाग लगा के चला गया। तो जो व्यक्ति अपना महिला होने का फर्क अदा नहीं कर पाया, तो वो क्या किसको क्या बोल देगा, क्या नहीं बोलेगा, उसका बातों पे क्या रिएक्ट करेंगे? खेसारी लाल यादव ने ऐसा ही जवाब दिया। तो अब ये बात है कि अब आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो मामला था, आरोप लगाई थी काजल रगवानी, और इधर काजल रगवानी आरोप लगाई थी कि पत्नी से डिवोर्स लेना चाहता है खेसारी लाल यादव की, क्योंकि काजल रगवानी को शादी करना है। तो इसमें कितना सच्चाई है? और खेसारी लाल यादव ने बोला कि हमको साथ में ऐश्वर्या राय भी आ जाएगा तो हमें अपना बीवी को डिवोर्स ना दूं। ये तो इसकी क्या औकात है? देखो, ऐसा भिंगा के जूता मारा है काजल रगवानी को कि शर्म करना चाहिए। किस प्रकार से एक स्टार ऐसा दिया है जवाब, मुंह तोड़ जवाब दिया है। अब एक और बात करते हैं कि खेसारी लाल यादव से पूछा गया कि काजल और अक्षरा में आपको कौन सा बेस्ट हीरोइन है, तो उसने बताया कि ये दोनों को मैं नहीं जानता हूँ, मैं जानता ही नहीं है दोनों का। तो बोल, जब एंकर ने पूछा, मीडिया वाले पूछा कि काजल रगवानी और अक्षरा को खेसारी लाल यादव से पूछते हैं कि ये दोनों को बेस्ट किसको आप पसंद ज़्यादा करते, तो बोला कि खेसारी लाल यादव ने एक एग्जाम्पल में बोला कि ये दोनों को मैं नहीं जानता, जिसका जवान ही जुबान इतना गंदी है, पागल टाइप की है, जो सोशल मीडिया पे किसी को सम्मान नहीं कर सकता, उसको बेइज्जत करके चला गया, उसकी बात ही क्या कर सकता।
और ये भी बोले खेसारी लाल यादव जो कि अचरा ने बोला, अचरा ने मारने की लगाया कि इनको तो चार चप्पल से मारना चाहिए। खेसारी लाल यादव के बोलते हैं अचरा सिंह कि चप्पल से मारना चाहिए। तो चल खेसारी लाल यादव ने बोला पागल लोगों को बात क्या करेंगे, सोशल मीडिया पे किसी को सम्मान नहीं दे सकता है, किसी की इज्जत नहीं प्रतिष्ठा नहीं कर सकता, तो क्या फायदा, ये लोग को कुछ भी कर सकता है क्योंकि इसकी सरकार ने लाइसेंस ही देख के रखा है। क्या ये बात आपको लिए सही लग रहा है कि खेसारी लाल यादव ने ऐसे मुंह तोड़ जवाब दिया? और खेसारी लाल यादव का हमको लगा था कि इसमें रिएक्शन अलग दिखने को मिलेगा क्योंकि ये लोग जिस तरह से बढ़ा चढ़ा कर बयान दे रहा था, खेसारी लाल यादव की एक बात समझ में आता है। और ये लोग जो दोनों हीरोइन था काजल रघवानी और अक्षरा, ये दोनों जो रिलेशनशिप में थी, तो ये लोग कितने लोगों से रिलेशनशिप में होगी ये तो कोई अंदाज़ा नहीं लगाया होगा, ना कोई इस पर कोई चर्चा तक नहीं किया होगा, ना कोई मीडिया वाला ने पूछा होगा क्योंकि उनको तो व्यूज चाहिए। और किसी का घर टूट रहा है, किसी का घर बस रहा है, इसमें मीडिया वाले कोई पता नहीं आता, पता तो रहता नहीं है। अब यही बात है खेसारी लाल यादव के, तो पूछा गया कि आपका बीबी कि इस पर रिएक्ट किए थे, आपका बीबी कुछ बोले थे कि आप थे रिलेशनशिप में, तो मीडिया वाले ने उंगली कर करके पूछता है कि आप गलत बोलवे करो, मगर खेसारी लाल यादव इस पर भी बोले कि अभी भी मेरी बीबी दीपावली मनाया, अभी भी छठ पूजा मना रहा है, और सर जो काम के लिए मैं आया वो काम करने आया। ये लोग बकवास वाली बात करते हैं और बकवास हमारे पास टाइम नहीं। तो आपको क्या राय है दर्शक लोग, आप जानते हैं कि आजकल भोजपुरी इंडस्ट्री में ज़्यादा से ज़्यादा जिसके पास काम नहीं करते हैं तो उसको उनको बदबू लगने लगता है, तो खेसारी लाल यादव काम करना छोड़ बंद कर देते हैं तो उनको बदबू लगता है, और जब काम करते हैं तो खुशबू लगता है। खुशबू मतलब आप समझ सकते हैं कि महकता है, अच्छा अच्छा खुशबू लगता है। वैसे हुआ कि खेसारी लाल यादव अभी बेकार है, तो आपको क्या राय कमेंट में आकर बताएं।